अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आपको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, बेशुमार खुशियाँ लाएँ, आपके अपनों को अच्छी सेहत अता फरमाएँ और जो आपको चाहिए आपकी सारी जायज़ मुरादें सब पूरी हों। गला मेरा अभी भी ख़राब है, दुआओं में मुझे भी याद रखना। आज है पहला रमज़ान और मैंने भी रोज़ा रखा है और मैं सारे ही रोज़े रखती हूँ, तो इसमें कोई नई बात है नहीं। तो बस दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, सब्र दे, ताकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोज़ा पूरा करें और ढेर सारी करें इबादत। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं आपको दिखाऊँ कि मेरा पहला रोज़ा कैसे गया। तो मैंने सोचा एक व्लॉग शूट कर लूँ। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा सारा बेड ऐसे ही पड़ा है, अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। तो आज मैं सब काम करूँगी और आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी कि मेरा पहला रोज़ा। गाइज़ ये है मेरी चिड़ियों का खाना और मैं उनको रोज़ ही ये खाना और पानी देती हूँ। और गर्मी आ गई है तो उनको प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो मैं पानी भी ठंडा ही देती हूँ। तो ये उनका नाश्ता तैयार है। तो गाइज़ अब मैं इसमें पलटने जा रही हूँ पत्ती, और मैंने पता नहीं क्या मंगाया था और पता नहीं ला के क्या देते हैं हमारे हबी। हमारे हबी तो बिल्कुल हम आपके हैं कौन के सलमान खान हैं, मंगाओ कुछ और ला के कुछ और देते हैं। तो बस अब जो ला के दे दिया है तो वो ही यूज़ करना है, तो मैं अब उसे डब्बे में पलट के रख रही हूँ।
नहीं निकल रही, आवाज़ का इशू हो सकता है क्योंकि मैं किसी चीज़ की वो नहीं है, बस मेरे अंदर से ही नहीं निकल रही है। क्योंकि टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 12:30, मैं नहा चुकी हूँ, मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अभी मेरे कुछ और काम रहते हैं, जैसे कि अभी तो सिर्फ साफ़ सफाई हुई है और आज मैंने मशीन भी नहीं लगाई है, तो क्योंकि आज मेरा पहला रोज़ा था तो मैंने सोचा देखती हूँ कैसे कैसे क्या क्या कर पाती हूँ। तो मेरी बैटरी तो अभी से हो चुकी है डाउन, बट फिर भी मुझे खाना पीना भी बनाना है और हवी रोज़ा नहीं रखते हैं, उनसे नहीं रखा जाता, तो उनके लिए भी बनाना है और अपनी एंजल के लिए भी बनाना है, अपनी बेटी अंदर के लिए। तो बनाते हैं खाना, फिर शाम को भी तैयारी करनी है, तो जैसे जैसे मैं जो करूँगी वो आप सबको दिखाती हूँ। मैं बिरंसा। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे, और आगे शायद मैं आपसे ना मिल पाऊँ तो मैं अब यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो झट से कर दे सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए प्लीज़ सारा लाइक, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं पालक लेके बैठी हूँ, तो आज खाने में बनेगी आलू पालक की भुजिया। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी पालक बना लिया जाए, अभी आने वाले थे खाने के लिए, उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ, एक्चुअली बताया नहीं था, मैंने खुद ही फ़ोन किया था तब उन्होंने बताया था कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लूँ अपना। तो ये मैंने पालक ले लिया, अब मैं कर रही हूँ इसे कट, और ऐसे ही मैं सारा पालक अपना कर लूँगी कट।
तो ये मैंने बना ली है रोटी, और बस अब सारी थाली तैयार है, अब बस सभी को खाना देना रह गया है। तो मैं गरम गरम रोटी डाल रही हूँ, वो आ चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। ये मेरी थाली तैयार है, अब रोटी पे लगाऊंगी मैं घी, मेरे हाथ का बनाया हुआ घर का घी। तो आप लोग भी आ जाइए जिनका रोज़ा नहीं है, जिनका है सॉरी। तो अब हम पढ़ रहे हैं नमाज़, ये मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। और प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ, इट जस्ट दैट कि मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ, अपने छोटे से छोटा काम दिखा रही हूँ, तो मुझे लगा इबादत भी दिखानी ज़रूरी है। अब मैं पढ़ रही हूँ कुरान शरीफ, मेरा एक पारा तो सुबह ही हो गया था, मैंने फजर की नमाज़ में पढ़ लिया था, और अब ये मेरा है दूसरा पारा। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मतलब पूरे महीने में मैं एक ही कुरान शरीफ पूरा कर पाती हूँ, लेकिन हाँ इस बार मैंने सोचा है कि अगर हो पाया, इफ़ पॉसिबल, तो मैं दो कुरान करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मैंने पतीले में दूध क्यों चढ़ाया मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, तो उसके लिए मैंने दूध उबलने रख दिया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड ऑन करने वाली हूँ शुगर। तो ये मैंने इसके अंदर डाली है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच शुगर, और इसे चला दिया। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ अपनी पकौड़ियाँ, मैंने बनाई हैं पालक की पकौड़ियाँ, तो मैं उनको डाल रही हूँ इसके अंदर, जितनी आएंगी उतनी ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर सिकने में प्रॉब्लम होती है। तो बस अब मैं वही सेक रही हूँ, अब थोड़ा काम जल्दी जल्दी और हाथ चलाना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी अब थोड़ा कम ही बचा है, तो इससे मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। अब हम इन्हें पलट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से इक्वल सिक जाए। जब तक मेरे सिक रहे हैं पकौड़े, तो मैंने सोचा शिकंजी बना लूँ, तो मैं शिकंजी बना रही हूँ। और ये मैंने पानी ले लिया है रूम टेम्परेचर पे, और इसमें मैंने डाल दिया है 10 चम्मच चीनी। शिकंजी मैं बना रही हूँ अपने और पापा जी के लिए, तो मैं 4 ग्लास शिकंजी बना रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी काला नमक जो मैंने सुबह पीसा था। तो लीजिए बन के तैयार है मेरी अफ्तार, ये है शिकंजी, और ये सब जा रहा है पापा जी के लिए। तो ये है पकोड़े पालक के, ये इमली की चटनी है, ये कस्टर्ड है, और ये है खजूर। तो ये मैं देने जा रही हूँ अपने पापा जी को, और ऐसे